नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का द ब्रेकफास्ट शो में, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। अगले घंटे में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देश विदेश की 20 बड़ी खबरें देखते हैं। T20 कुवैत में इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत, मृतकों में 41 भारतीय शामिल। पीएम मोदी ने देर रात हादसे को लेकर की बैठक, विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन कुवैत के लिए रवाना। आग हादसे में पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार वालों को प्रधानमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा। G7 की बैठक में शामिल होने आज इटली जाएंगे पीएम मोदी, पीएम मेलोनी समेत कई देशों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। इटली में आज से G7 देशों की होगी बैठक, यूक्रेन युद्ध और विश्व शांति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा, बाइडेन ट्रूडो समेत कई नेताओं का पहुंचना जारी। जम्मू कश्मीर में 72 घंटे के अंदर चौथा आतंकी हमला, डोडा के गंधो में आतंकियों ने एसओजी कैंप पर बोला हमला, 24 घंटे पहले भद्रवाहा में भी आतंकियों से हुई थी मुठभेड़। वायनाड और रायबरेली को लेकर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सीट छोड़ने को बताया धर्म संकट की बात। महाराष्ट्र में फर्जी वोटिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों ने किया मतदान, पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी, बाकियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ आज, सीएम मोहन यादव दिखाएंगे हरी झंडी, भोपाल इंदौर समेत 8 शहरों में पर्यटकों को मिलेगी सुविधा। सीएम विष्णुदेव साय विभागवार करेंगे मैराथन बैठकें, आज कृषि विभाग की करेंगे समीक्षा, कल स्वास्थ्य विभाग तो 15 जून को गृह मंत्री से जुड़े विभागों की लेंगे मीटिंग। रायपुर के खरोरा इलाके में दिनदहाड़े 27 लाख की लूट, पिस्टल की नोक पर व्यापारी के दफ्तर में की वारदात, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, काउंसलिंग पर रोक लगाने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग याचिका में मामले की जांच एसआईटी से कराने की भी अपील। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, दिल्ली पुलिस को पानी की चोरी रोकने और कार्रवाई करने को कहा, हफ्ते भर में रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश। गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग के मामले में पुलिस ने सलमान खान और उनके भाई अरबाज के दर्ज किए बयान, 14 अप्रैल को सलमान के घर चली थी गोलियां। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग का एक और अलर्ट, यूपी बिहार झारखंड को अगले 4 दिन सावधान रहने को कहा, दिल्ली में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी। गैंगस्टर अबू सलेम ने जताया अपनी जान पर खतरा, मुंबई हाईकोर्ट में दायर की याचिका, अबू सलेम को तलोजा जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने की तैयारी। हमास के साथ जंग के बीच हिजबुल्ला पर इसराइल ने बरसाए बम, बंधकों की रिहाई को लेकर भी तेल अवीव में जारी है प्रदर्शन। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस ने दिया शानदार फीडबैक, भारतीय मिसाइल में इंडोनेशिया समेत कई और देश भी दिखा रहे रुचि। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया, बुधवार को मेजबान अमेरिका को 7 विकेट से दी मात, 4 विकेट लेकर अर्शदीप बने प्लेयर ऑफ द मैच। T20 वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले, वेस्टइंडीज के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती, दूसरे मैच में बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की होगी टक्कर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी देशों को रूस का चैलेंज, युद्ध अभ्यास के लिए रूसी युद्धपोत को भेजा क्यूबा, वेंजुएला भी जाएंगे युद्धपोत।